देवोलीना भट्टाचार्य और रश्मि देसाई के बीच का झगड़ा पहुंचा हाथापाई तक। जी हाँ, दरअसल अभिजीत बिचकुले की वजह से इन दोनों दोस्तों में लगातार लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते इतनी ज्यादा मशगूल हो गए कि हाथापाई तक इन दोनों के बीच का झगड़ा पहुंच गया। दरअसल इस दौरान रश्मि देसाई ने भर भर कर देवोलीना भट्टाचार्य पर आरोप लगाए हैं कि वो मौका परस्त है, इनसिक्योर है, वो नहीं देख पा रही है कि उनसे ज्यादा कोई पॉपुलर है यहाँ पर और उनके मुद्दे बिल्कुल भी सही और सटीक नहीं है। वही देवोलीना भट्टाचार्य ने भी रश्मि देसाई पर जमकर आरोप लगाए और कहा कि तुम्हारे जैसे लोग ही हैं जिस वजह से लड़कियां अपना स्टैंड नहीं ले पाती हैं। इस दौरान बात इतनी ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से हाथापाई तक उतर आती हैं। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर बाकी सदस्य इनके बीच में आते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से लड़ने झगड़ने से रोकते दिखाई देते हैं। हाथ पांव तो इनके रोक दिए जाते हैं, लेकिन इनकी जुबान लगातार चलती रहती है और ये दोनों दोस्त एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाते हैं। अब ये देखना आगे मजेदार होगा कि इन लोगों के इस लड़ाई झगड़े पर सलमान खान का क्या रिएक्शन होगा और साथ ही में सीजन 13 की ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स क्या सीजन 15 में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। देखना मजेदार होगा। आपका जो भी विचार हो साझा जरूर कीजिएगा और इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करिए।